वेलकम बैक टू रिंग्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी मेजर अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है WWE के यूट्यूब चैनल की तरफ से कि उनके हो चुके 75 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जिसको लेकर उन्होंने कम्युनिटी टाइप में पोस्ट करी। तो जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एलिस्टर ब्लैक की तरफ से। एलिस्टर ब्लैक इस समय माइनर इंजरीज से सफ़र कर रहे हैं, यही वजह है कि वो इतने टाइम से TV से ऑफ हैं। तो जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है द बिग रेड मशीन केन की तरफ से। तो WWE द बम के शो पे अंडरटेकर ने रिवील किया कि केन हो रहे हैं इस साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट। तो जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रिया रिप्ले की तरफ से। तो रिया रिप्ले ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट किया जिसमें लिखा है, ब्रूटैलिटी समथिंग आस्का इज़ नॉट रेडी फॉर एट रेसलमेनिया, मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन माई क्राउनिंग मोमेंट। तो इसे देख के पता लग रहा है रिया रिप्ले बहुत कॉन्फिडेंस अपने मैच को लेके रेसलमेनिया के, जो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सेथ रॉलिंस की तरफ से। तो सेथ रॉलिंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया जिसमें लिखा है, ऑन माय कूल गाय प्राइवेट जेट टू टैम्पा, कांट वेट फॉर अनदर ह्यूज स्मैकडाउन टुमारो नाइट, फीट योर्स ट्रूली एंड क्रियो, इट्स गोना बी सो गुड। तो इससे सेथ रॉलिंस इंडिकेट कर रहे हैं कि कल स्मैकडाउन पे कुछ वो रेसलमेनिया से रिलेटेड कहने वाले हैं, पॉसिबली हो सकता है सेजारो के साथ उनका मैच ऑफिशियल हो जाए। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस की तरफ से। तो होता कुछ ऐसा है, WWE इंडिया ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया जिसमें लिखा है, शूट सैमी ज़ेन चैलेंज केविन ओवेंस एंड रेसलमेनिया। तो पॉसिबली हो सकता है कल होने वाली स्मैकडाउन में इनका मैच ऑफिशियल हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।